भारत का इतिहास वो नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए पढ़ते और याद करते हैं। कुछ लोग बाहर से आए, पिता बेटे की हत्या करता रहा, भाई भाई को मारता रहा, सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहा, यह भारत का इतिहास नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गुरुदेव की बात सिर्फ पढ़ रहा हूं। राणा की तलवार एक बार युद्ध भूमि में बिजली सी चमकी तो फिर मयान में वापस नहीं गई। रण क्षेत्र में एक बार धारण किया योद्धा का कवच तो जीवन भर उतारा नहीं। ये कहानी है शौर्य के सूर्य महाराणा की, ये कहानी है स्वतंत्रता के शूरवीर महाराणा की। मेवाड़ के महाराणा का शौर्य अद्भुत था, उनकी शक्ति और संकल्प अकल्पनीय था। लेकिन ये सवाल हमेशा ही स्थानीय लोगों के मन में चुभता है कि जब हल्दी घाटी के कण कण में राणा का पराक्रम झलकता है तो फिर इतिहास में महाराणा का उल्लेख एक हारे हुए योद्धा के तौर पर क्यों किया जाता है? इतिहास में क्यों ये दर्ज है कि महाराणा मुगलों से लड़े तो जरूर लेकिन जीते नहीं, आत्मसमर्पण तो नहीं किया लेकिन शासन भी नहीं कर पाए? क्या ये इतिहास सही है या इसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं? इस समय ये देश का ट्रेंडिंग सवाल है। 3 दिन पहले करणी सेना ने राजसमंद जिले के रक्त तलाई से वो विवादित पट्टी बदल दी जिसमें महाराणा प्रताप के पीछे हटने की बात लिखी थी। शिलापट पर पहले लिखा था रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है, यहाँ शाही और प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप और मानसिंह घोड़े और हाथी पर सवार होकर क्रमशः कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में संयोगवश प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून 1576 को समाप्त हो गया। करणी सेना ने इस विवादित शिलापट्टी की आखिरी लाइन बदल दी और लिखा युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में मुगलों की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून 1576 को समाप्त हो गया।